जिला चंबा में कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में 4 कोरोना रोगियों की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें शुक्रवार शाम को 1 और शनिवार सुबह 3 कोरोना रोगियों की मौत हो गई। वहीं शनिवार तक जिला चंबा में कोरोना का आंकड़ा 1690 पहुंच गया है। जिला में 179 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। इसमें जो हमने टोटल सैंपल जो अब तक टेस्ट किए हैं वो 38684 जो आज तक जो हमने टेस्ट किए हैं, और टेस्टिंग रेट जो है हमारा वो बन रहा है 74.5 पर 1000 पॉपुलेशन। और इसमें 38684 में हमारे 1690 केसेस जो है वो पॉजिटिव निकले अब तक, और इसी तरह पॉजिटिविटी रेट जो है हमारा वो बन रहा है 4.37%। और आज की डेट में हमारे पास जो एक्टिव केसेस हैं, जो 1690 जो टोटल पॉजिटिव निकले, इसमें एक्टिव केसेस जो अब तक हमारे वो 179 हैं और 1489 जो है वो रिकवर कर चुके हैं हमारे। तो इसी तरह जो आज जो हमारा रिकवरी रेट है वो 87.51 के करीब बन रहा है। साथ हमारा जो अभी ये कैंपेन ACF कैंपेन जो है ये भी स्टार्ट हो रहा है 25 तारीख से, उसमें भी ये TB हुआ, कोविड हुआ, लेप्रसी हुआ और कुछ NCD डिसीजन जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इन सब की जो है स्क्रीनिंग जो है वो डोर टू डोर घर घर हमारी टीम जाएंगी। हर टीम में 2 मेंबर्स होंगे तो वो डोर टू डोर उसका भी स्क्रीनिंग करेंगे इन सब की, तीनों बीमारियों की प्लस साथ में जो हमारी NCD की कुछ केसेस हैं। तो उसमें भी हम जनता से, समस्त जनता चंबा वासियों से अपील करते हैं कि इस कैंपेन में भी हमारा सहयोग करें और हमारी टीम्स जहां भी जिस भी विलेज में जाएं उनसे कोऑपरेट करें और अपने सिम्टम्स, इन तीनों बीमारियों के अलावा और भी कुछ आपको लग रहा है कि कुछ सिम्टम्स हैं तो उनको उनके नोटिस में लाएं ताकि उनका जो जल्दी हम उसका डायग्नोसिस बना सकें और जल्दी उसको ट्रीटमेंट पे डालें। और इन केस अगर इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो उसको भी अगर वल्नरेबल एज ग्रुप में है तो उसको हम जैसे लिस्ट बना जब हमारे पास पहुंच जाएगी तो उनकी जो है वो क्लोजली हम मॉनिटरिंग, जो हमारी टीम जाएंगी घर घर उनको भी हम फर्दर, या जो हमारी हेल्थ टीम्स या हमारे जो नियरेस्ट सेंटर है उनको भी हम बोलेंगे कि उनके उनको उन पे वो ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करें और अगर इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन उनमें भी आती है तो उनको वो इमिडिएटली शिफ्ट करवाएं। तो एक दूसरा मैं एक ये भी बताना चाहता हूँ कि अब सर्दी का सीज़न है, सर्दी के सीज़न में ये जो सिम्टम्स है, खांसी है, बुखार है या जुकाम है, गला खराब, ये कॉमन है, कॉमन चीज़ें सर्दियों में बढ़ जाती हैं। तो हो सके जो वल्नरेबल एज ग्रुप है जैसे 60 साल से ऊपर है या जिनमें कोमोर्बिडिटी या हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, तो उनसे हम आग्रह करेंगे कि वो थोड़ा अपने आप को गर्म रखें, बाहर इतना एक्सपोज ना हो, बाहर ना निकलें, अगर इन केस अगर कहीं जाना भी पड़ता है तो वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, और अगर कहीं सरफेस किसी सरफेस पे टच करते हैं तो अपना हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, सैनिटाइजेशन प्रॉपर साबुन या पानी से भी हाथ साफ रखें। और इन केस इन फिर भी हमारा ये मेन फोकस रहेगा कि किसी भी व्यक्ति में अगर कोई भी इस तरह के सिम्टम लगते हैं तो वो इमीडिएटली हमारे नियरेस्ट सेंटर है या इमीडिएटली हमारी जो टीम जा रही है घर घर उनके नोटिस में लाएँ, उनके नोटिस में लाएँ ताकि वो उनकी अर्ली जो है डायग्नोसिस हो सके। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।